हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 8 है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में। हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो कि आपका चैप्टर है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशियंट्स। हम इसमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जांपल में, वो आपका बेस्ड होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई चेंजिंग द इनडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इनडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, उसी का आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे बताने चल रहा हूँ। जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व कॉस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे गिवन है 2 cos की पावर 5x। यह क्वेश्चन आपका अवध 2011 और पूर्वांचल 2010 में आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम वाइज में। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आपका जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का होता है, आइए उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया गया हो, सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज। तो यहाँ पर देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें जो कोफिशियंट होता है किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का, वह होता है 1। बट यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है, इसको आपको यहाँ पे रिमूव करना है। तो क्या करेंगे आप, ऑन बोथ साइड क्या कर दीजिए, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ये कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पर करने चल रहे हैं, कॉस एक्स से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो आइए करते हैं, तो कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, इसके इक्वल होता है टेन एक्स के होता है, ये हो जाएगा टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई। ये कॉस क्यूब एक्स है, एक कॉस एक्स इसके अपान में आएगा, तो एक पावर यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2 इंटू कॉस की पावर 5x है अपॉन में कॉस एक्स, तो एक पावर यहाँ पे ब्रेक होगा तो मिल जाएगा आपको कॉस की पावर 4x। तो ये आपको मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 लेट कर लीजिए। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स का। तो अब देखते हैं यहाँ पे उसी से हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हमको कंपैरिजन करने पे पी क्यू आर के वैल्यूज मिल जाएंगे। पी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट, क्यू क्या होता है, वाई का कोफिशियंट होता है, और आर क्या होता है, जो भी आपके टर्म इसके अलावा बचे हों इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या है, टेन एक्स है, तो यही हो जाएगा P का वैल्यू, ये हो गया आपका टेन एक्स कैपिटल क्यू, Y का कोफिशियंट जो कि माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे R बराबर किसके इक्वल होगा, तो ये आपका जो है बचा है 2 इंटू कॉस की पावर 4x। तो ये आपका हो गया पी क्यू आर के वैल्यूज। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो डी जेड अपॉन में डी एक्स का फार्मूला आपका होता है अंडर रूट मॉडुलो क्यू, आइए उसको यहाँ पे लिखते हैं बी चूज जेड सच दैट डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट यहाँ पे मॉड कैपिटल क्यू। अब ये मॉड क्यू लगा, जैसे अब आपका कोई वैल्यू निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे होगा, ये आपका माइनस का टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे अंडर रूट होगा और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस एक्स में होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा या अभी आपका किसके इक्वल है, डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया अंडर रूट टू इंटू में किसके, कॉस
यक्स के बराबर आ गया। अब देखिए इससे आगे हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे टू लेट करेंगे और इसी का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन बोथ साइड। लेकिन सबसे पहले हम इसको फॉर्म में चेंज करेंगे जो कि हो जाएगा dz इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू कॉस एक्स और dx इसके इंटू में आ जाएगा जो कि x के साथ आ गया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स और यहाँ पे आपका हो गया dx। तो देखिए यहाँ पे वन है, वन का क्या हो जाएगा जो कि है z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये आपका हो गया z बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्म बताया था जो कि था द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज जो कि है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन इंटू में वाई इज इक्वल टू आर। आइए उस इक्वेशन को यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए आपको यही वाला फार्मूला आपको बताया गया था, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर। अब मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला भी बताया था, ये आपका आर वन है ना कि आर है, क्योंकि आप आर एक बार ऊपर यहाँ पे लिख चुके हो। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन फार्मूलाज बताए थे जो कि था वहाँ पे पी वन का, क्यू वन का एंड आर वन का। तो सबसे पहले हम पी वन क्यू वन आर वन की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, पी वन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये आपका होता है डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस पी डी जेड अपॉन में डी एक्स और अपॉन में यहाँ पे होगा डी जेड अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास dz अपॉन में dx का वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट टू कॉस एक्स आया है। यदि हम इसी का एक बार और x के रिस्पेक्ट में कर दे डिफ्रेंसिएशन तो आपका डी टू जेड अपॉन में dx2 हो जाएगा जो कि आपका इसके बराबर है, किसके बराबर है डी स्क्वायर जेड अपॉन में dx2। तो सबसे पहले हम इसी का आपका सेकेंड ऑर्डर भी यहाँ पे फॉर्म लिख दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका हम एक बार और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट टू है इसको लिखेंगे। देखिए कॉस एक्स का एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स होता है तो माइनस आगे आ जाएगा इंटू में यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि आपका पी वन बराबर है डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू में डी जेड अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू अभी जस्ट आपने ऊपर फाइंड किया है किसके बराबर है, माइनस टू यहाँ पे है इंटू में साइन एक्स प्लस यहाँ पे पी है, पी आपने सबसे पहले ही फाइंड किया था जो कि आपका था टेन एक्स के बराबर इंटू डी जेड अपॉन में डी एक्स अंडर रूट टू कॉस एक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है आप देख लीजिए, तो ये है आपका अंडर रूट टू कॉस एक्स अपॉन में क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये आपका बराबर होगा माइनस टू अंडर माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस अंडर रूट टू टेन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपान में है टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यही आपका इक्वल होगा पी वन इज इक्वल टू, ये आपका अंडर रूट टू है यहाँ पे टू है तो ये आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट टू अपान में टू। देखिए आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपान में
एक का कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन एक्स के, और दूसरा वाला वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स में बदल जाएगा, और ये आपका है प्लस अंडर रूट टू अपॉन में टू इंटू टेन एक्स है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, एक पावर कैंसिल आउट होगा, वन अपॉन कॉस एक्स आपका सेक एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे वैल्यूज आपस में नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, वैल्यूज आपस में सेम सेम है, तो आपस में कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे पी वन बराबर किसके आ गया, जीरो के। आपको यहाँ पे पी वन इज इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। अब हम फाइंड करेंगे क्यू वन, तो क्यू वन का फार्मूला आपका क्या होता है, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। क्यू वन आपका बराबर होता है कैपिटल क्यू अपॉन में dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर, और आपने सबसे पहले कैपिटल Q को फाइंड किया है जो कि निकला है आपका माइनस का टू कॉस स्क्वायर x, dz अपॉन में dx अंडर रूट टू कॉस x के बराबर है, इसका हम पावर करेंगे टू, तो आपको मिलेगा टू कॉस स्क्वायर x, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का वन, तो आपको मिल गया कैपिटल Q1 इज इक्वल टू माइनस का वन। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, R फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको R का भी फार्मूला बताया था, R इज इक्वल टू होता है R और अपॉन में dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर, और कैपिटल R ऊपर आपने फाइंड किया है किसके बराबर है, 2 cos की पावर 4x और dz अपॉन में dx की पावर 2 मींस 2 इंटू कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पावर 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा पावर 2, और यही आपका बराबर होगा कॉस स्क्वायर x, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर x। देखिए आपको यहाँ पे मिला है आर वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, आपने कॉस स्क्वायर x का फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए आपके पास वहाँ पे z बराबर क्या गिवन है, अंडर रूट टू इंटू साइन x है, यदि हम यहाँ से साइन x निकालें तो आपका आ जाएगा z अपॉन में अंडर रूट टू, यदि इसकी हम पावर 2 कर दें साइन स्क्वायर x, तो यही आपका बराबर आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपका साइड का वर्क है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, जेड स्क्वायर अपॉन में टू, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये आपका बराबर होगा आर वन इज इक्वल टू वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में टू, तो यही आपका हो जाएगा वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये आपका हो गया आर वन इज इक्वल टू फाइंड हो गया। अब सारे वैल्यूज को हम आपका जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मैंने वहाँ पे नोट कराया था जिसमें आपका पी वन क्यू वन और आर वन था, उसी इक्वेशन में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जो कि आपका देखिए पी वन किसके बराबर है, जीरो के, तो वो तो वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड स्क्वायर। अब देखिए Q1 इंटू में y था, Q1 आपका माइनस वन निकला है और इंटू में y, तो माइनस का y हो जाएगा, और ये अब इक्वल टू होगा वन माइनस आर वन के, तो आर वन क्या है, वन माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड डिलीट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आप इक्वेशन नंबर थर्ड को जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आई होप आपको सभी को इसका सॉल्यूशन निकालना आता होगा क्योंकि आप बी एस सी फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू आपका निकलेगा c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस जेड, और यहाँ पे आएगा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में टू, तो लास्ट में यदि हम इसका निकालें आई दैट, तो आपका निकलेगा
y इज इक्वल टू, हम z का वैल्यू पुट करेंगे c1 e की पावर z बराबर अंडर रूट टू साइन x आपका फाइंड हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा अंडर रूट टू साइन x प्लस c2 e की पावर माइनस अंडर रूट टू साइन x प्लस यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होगा और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यह आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन आपका जो इक्वेशन वहाँ पे गिवन था। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पर आपका ये क्वेश्चन था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद फोर्थ मेथड आपका जो बच रहा है उसको हम इसके बाद के लेक्चर में आपको बताएंगे, वही इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग होगा और जो कि आपका है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वो आपको बताया जाएगा, उस पर भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, देन आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में टेस्ट के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उसको आपको अच्छे सॉल्व करना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो देखिए ये चैप्टर आपका 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।